सेटलमेंट के बाद भी आप अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। अगर आपके और आपके पति के बीच में एक सेटलमेंट हुआ है जिसको लेके आपने म्यूचुअल डिवोर्स भी फाइल किया है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने ज्यादा आ गए हैं कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, और इस केस में फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रन, सबकी भलाई को सोचकर आप दोनों ने यह डिसीजन लिया है कि हम म्यूचुअली शांति से अलग हो जाते हैं। उस केस में आपकी एक सेटलमेंट डीड बनती है, और उस डीड में अगर आपके पति ने ये कंडीशन डाली है या उस डीड की ये कंडीशन है जिसपे आप दोनों एग्री हैं कि आपके पति जब आप अलग भी रहेंगे उनके साथ उनसे, तो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे या एक सेपरेट रेजिडेंस भी प्रोवाइड करेंगे या बच्चों के एजुकेशन का खर्चा भी उठाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपको देंगे, उसके अलावा और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब उठाने को तैयार हैं, अगर आप दोनों इस तरह का सेटलमेंट बना के अलग रहते हैं और उसके बाद पति अपनी बातों से या कंडीशन से मुकर जाते हैं, उनका ये सेटलमेंट महज एक साजिश थी या एक प्लानिंग थी कि आप किसी तरह से उनसे अलग रहने लगे ताकि वो लाइफ अपने तरीके से लीड कर सके, अपने तरीके से जी सके। लेकिन अब ये एक तरह का फ्रॉड हुआ क्योंकि सेटलमेंट में जो बातें लिखी थी वो हस्बैंड ने पूरी नहीं की। तो इस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो इस केस में ये ऑप्शन है कि आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 125 सीआरपीसी में एक मेंटेनेंस का पिटीशन डालेंगे, अपने और अपने बच्चों के लिए आप मेंटेनेंस की कोर्ट से मांग कीजिए। इसके अलावा आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डाल सकते हैं, वहां पे भी आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, रेजिडेंस की मांग कर सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस की भी मांग कर सकते हैं।